नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र के रहीमाबाद में 6 दिन से इंसाफ के लिए धरने पर बैठी गैंगरेप की नाबालिग पीड़िता का आरोप पुलिस ने नहीं दर्ज किया। आरोपियों पर मुकदमा, साथ ही पीड़िता ने 4 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। कुछ रोज पहले ही पीड़िता के पिता व आरोपियों के बीच पैसे के लेन देन को हुआ था विवाद। लेटरिन गए थे तो 4 लोग वहाँ थे, 2 लोग मेरे साथ गलत काम किया और 2 लोग भाग गए वहाँ से। कब की घटना है? कितने दिन हो गए? 26 तारीख को ये हुआ था। फिर उसके बाद में आप पुलिस के पास गई? हाँ। कहाँ गई? पहले तो वहाँ चौकी गए, चौकी पे वो हम बोले नहीं। चौकी किस की चौकी में गई थी? तो वहाँ पे सिपाही दरोगा कोई मिले? वो अनिल सिपाही। क्या कहा उन्होंने आपसे? वो बोले कि अपने कपड़े उतार के हमको दिखाओ तुम्हारे साथ गलत काम हुआ या नहीं हुआ। फिर वहाँ जब मेरे पत्र पर कागज फाड़ के फेंक दिए तो मैंने थाने गई तो थाने में गंदी गंदी गाली दी, वहाँ से भगा दिया। लड़की की माँ के बाबू का नाम मालती जी, ये बताइए क्या हुआ था आपकी बिटिया के साथ? हमारी बिटिया से छेड़खानी हुई। छेड़खानी क्या हुआ? गलत काम हुआ। अच्छा, फिर आपको इंसाफ मिला? हमको इंसाफ नहीं मिला। आप कहाँ कहाँ गए? डीएम पास गए। अच्छा, ये बताइए आप अपने थाना गए थे, कौन सा थाना लगता है आपका? खैराबाद थाना। तो वहाँ पे थाने पुलिस चौकी गई तो क्या हुआ वहाँ? चौकी वाले जो है गाड़ी थी भगाने में और रिपोर्ट मान नोट करी। आपकी बिटिया से क्या कहा? बिटिया से मैं कहीं के कपड़ा उतारो दिखाओ और हुआ कि अपने आप बाउंडर बनाए कर आई तो कहीं का सारा इसी अपनी बिटिया की अपनी कोई इज्जत अपने आप लुटाई तो कहीं मादर चौथे यहाँ से ढक जाओ तुम्हारी भी लेडीज बुला कर तुम्हारी झरैया करा देंगे। तुम कहीं सारा ऐसा है बुला लो झरैया कराए दो आप तुम्हारे हुए बच्चे हमारी बिटिया की इज्जत लुटी तुम्हारे दर्द है तुम्हारे दुकान है तो कहीं ना भैया अभी जो है यहाँ से भागो क्यों यहाँ लुटी थाने में। फिर कहाँ कहाँ गई? डीएम साहब को यहाँ एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब को दिए। अच्छा दिन ही उनका धरना धरे आज तक का कोई जानकारी ना भी यहाँ साहब आए दिखा पड़ी थी। तो 6 दिन से आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। आपको योगी सरकार में इतने दावे किए जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से की जाएगी, आपको कहीं आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने जो दावे किए थे वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं? पूरा तो नजर उठा नहीं देखा पूरा तो दूरी